छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर महिलाएं अपने आसपास के तालाब और नदियों में जाकर पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। वहीं अम्बाला के आसपास के लोग घग्गर नदी में छठ पर्व मनाने के लिए पहुंच रहे हैं और गंदे पानी से परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि जिला अम्बाला की घग्गर नदी में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं एक तरफ जहां घाट की सफाई छठ पूजा कमेटी की ओर से अपने स्तर पर करवाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नदी के पानी में जहरीली झाग तैरती दिखाई दे रही है, जो लोगों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। वहीं जनता ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील भी की है। मेरा नाम अखिलेश गिरी है और यहाँ हर एक साल छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ महिलाएं कल शाम को पूजा है और परसों सवेरे, तो यहाँ हर एक साल पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है, जहरीली पानी सब आता है, इसमें महिलाएं को बीमार होने का खतरा बना रहता है। इसलिए के प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दे और इसको सफाई कराने का या पानी रोकने का कोशिश करें। कितने लोग आते हैं यहाँ? हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं आते हैं, काफ़ी धूमधाम से पूजा होते हैं छठ पूजा। मेरा नाम सुधीर है, अम्बाला वासी हूँ। तो यहाँ छठ पूजा होती है हर साल, तो अब की बार भी शुरू होने वाला है, हो चुका है। तो यहाँ महिलाएं आती है, शाम के टाइम नहाती भी हैं और आपके सामने ये नदी में देख रहे हैं कि जहरीली गैस भी, केमिकल भी आते हैं, मिक्स होती हैं, तो लेडीज़ नहाती हैं तो उसमें बीमारी फैलने का भी खतरा है, हो सकता है। प्रशासन की तरफ से हमारे कोई सेवा ध्यान नहीं देता। हम लोग हैं 8-10 आदमी जो कि मिलके हम यहाँ व्यवस्था करते हैं, लाइटों का प्रबंध करते हैं, सफाई का अभियान शुरू करवाते हैं, सफाई करवाते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दे और ये नदी की थोड़ी सफाई करवाए और जो ये फैक्ट्री का पानी इसमें मिक्स होता है इसको रुकवाए। मेरा नाम बीभा सिंह है और हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं, कल से शुरू हुआ है। कल हम लोग खाए हैं दाल, घिया की सब्जी, चावल, और आज हमारा व्रत है और रात को हम खीर खाएंगे और कल हमारा फास्ट है। कल हम यहाँ पे पूजा करेंगे जल में खड़ा होकर के, और जल यहाँ पानी जो आ रहा है वो गंदा है, जहरीली गैस आ रही है, पर उसकी कोई सहयोग नहीं मिलता। और हम इसी पानी में खड़ा होकर अर्घ देते हैं, कल और परसों दोनों दिन जल में खड़ा रहेंगे। इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान होगी हमारी जहरीली गैस से, हमारे वो जो पानी में जब हम नहाएंगे तो स्किन दिक्कत होगी। एक्चुअली हर साल की तरह इस साल भी हम छठ पूजा मना रहे हैं और छठ पूजा का महत्व बहुत बड़ा है। जैसा कि आपको मालूम है छठ महापर्व है, ये तो मोदी जी ने भी बोला है, और इसके अंतर्गत हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने घाट के ऊपर जहाँ हम पूजा करते हैं वो अच्छी तरह से सफाई हो सके और हम पूजा को अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आप देख रहे हैं कि हमारे घाट पे कितनी गंदगी है और जो पानी आ रहा है घग्गर नदी का वो पीछे से कितना मैला आ रहा है, कितना केमिकल से, मतलब केमिकल भी साथ में आ रहा है। तो समस्या ये सर कि इसके लिए हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। हमें हमारी जो हमारी महिलाएं हैं, जो हम लोग हैं, हमारे जो पुरुष हैं जो पूजा करते हैं, वो इसके अंदर घुस के इसी केमिकल में खड़े होकर पूजा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब कितनी गलत बात है ये कि हमारी पूजा में विघ्न हो रहा है इस चीज़ का। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन को कि आप प्रशासन हमारा सहयोग करें और बाकी पूजा तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इसके लिए हर साल जो है ये समस्या से हम जूझ रहे हैं, हर साल हमें सफाई करनी पड़ती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ घाट का भी प्रबंध किया जाए अगर समस्या का समाधान देना है तो, अगर अम्बाला सिटी से ही कोई हमारा MLA इसके लिए हमारा कोई सहयोग कर सके, या हमारे जो सांसद हैं या जो हमारी कमेटी की जो हेड हैं वो अगर हमारी सपोर्ट कर सके तो कर सकें तो प्लीज़ बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। गौर हो कि नदी के पानी में आ रहे फैक्ट्री के गंदे पानी और केमिकल लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है, जिसके वजह से जब महिलाएं पानी में पूजा करने जाएंगी तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है, उन्हें स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।